हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सीमा खन्ना। और आज है संडे, तो मेरी मॉर्निंग तो वैसे जल्दी हो गई थी वर्कआउट वगैरह। आज संडे के दिन मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ वर्कआउट पे, 2 घंटे लगकर मैंने किया। ऐसे क्या होता है, पीयू की क्लासेस होती है ना, तो और अंकित जी को जाना रहता है, तो अब मेरा है वर्कआउट का टाइम थोड़ा कम हो गया है। बट आज दिल खोल कर मैंने वर्कआउट किया 2 घंटे आराम से, कोई टेंशन नहीं था क्योंकि मुझे पता था ये दोनों सो रहे हैं, आराम से उठेंगे। तो बस मैं अपना वर्कआउट की, फिर उसके बाद मुझे ना पावदान वगैरह घर के सारे गंदे हो गए थे, तो मैंने बोला करके उसे धो देती हूँ। अभी सुबह मॉर्निंग में नल आता है तो पानी आ रहा है, तो फटाफट धुल जाएगा। और मैं बस वही सब में लगी हुई थी। बट यार देखो, लॉकडाउन के बाद ना लाइफ बड़ा चेंज सा हो गया है। मुझे ऐसा फील होता है कि हम जो रूटीन में था कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हमारा होता था, बाहर जाना घूमना फिरना, वो चीज़ नहीं है अब लाइफ में ना, तो बहुत बोरियत सी आ गई है। वही घर, वही खाना, वही बच्चे के साथ टाइम बिताना। थोड़ा बाहर जाते थे ना तो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बीतता था, तो अब रूटीन बस ऐसा लगता सिमट के रह गई है। सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, नहाना धोना, बस यही सब है। तो देखिए, बस मैं किचन में आ गई वो सब काम करने के बाद, अब नाश्ता की तैयारी। बस पराठे वगैरह मैंने सेक लिए थे, और देखिए मैंने ये आम का है ना खट्टा मीठा अचार बनाया है। इसकी रेसिपी मैं सेपरेट शेयर करूँगी, इसमें नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा रेसिपी ना बहुत कम डालती हूँ ब्लॉग में। हे गाइस, तो देख रहे हैं फेस का क्या हाल है, कितना ऑयली हो गया है। इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछे मत, हालत ख़राब हो रही है। और किचन में बस मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और आलू जो है मैंने बॉईल कर दिया है, आलू बॉईल किया है। आलू का पराठा बनाऊँगी और फिर नहाने जाऊँगी, बहुत गर्मी है, पोछा लगाना बचा है, पोछा लगाऊँगी और नहाऊँगी, और फिर उसके बाद फ्री होकर मिलूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया, देखा जैसा आपने, मैंने आम की है ना कच्चे आम की खट्टी मीठी अचार बनाई थी, बहुत मन कर रहा था, इस साल अभी तक नहीं बनाया था मैंने, फाइनली आज बना लिया मैंने। और बस आज यही आलू का पराठा बन रहा है मेरा, यही स्पेशल है आज संडे स्पेशल, आलू का पराठा दही यही बनेगा आज दोपहर में। और कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है, कल मुझे फास्ट रहना है, मंडे है तो कल फास्टिंग है मेरा, तो आज रात को मैं भी खाऊंगी खाना, नहीं तो मैं खाना नहीं खाती हूँ, बट कल फास्ट रहना है तो रात को मुझे खाना पड़ेगा, तो आज रात को मैं भी खाने वाली हूँ खाना। और बस सारा काम निपटाती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ। तो गाइस, मैं किचन में आ गई नहाकर, और नहाकर सीधे मैं किचन में आ गई जल्दी, क्योंकि पीहू को भूख लग रही थी। तो ये जो आलू है ना, पीहू को मैगी बना के दिए, पीहू अंकित जी खिला रहे हैं, ऊपर ले गए हैं। और आलू का हमने पहले सोचा था आलू का पराठा, फिर प्लान चेंज हो गया, और अभी ये डिमांड हुआ है कि आलू की रस्से वाली सब्जी और जीरा राइस ये डालने का। तो चलिए आलू की सब्जी बना लेती हूँ मैं और जीरा राइस। सो गाइस, ये देखिए हमारा संडे स्पेशल है, आलू की सब्जी है और जीरा राइस है, रोटी है और ये गवार फली है। तो बस आज का संडे स्पेशल ये सिंपल सा आलू का पराठा बनना था, बट अब यही खाएंगे, चेंज हो गया हमारा मेन्यू, तो चलिए आप भी खा लीजिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, अभी हो गए हैं शाम के क्या बज रहे हैं, हाँ 7 बजने वाले हैं, 7:15 हो रहा है। तो मैं ना आज सो गई थी थोड़े देर के लिए, पता नहीं कैसे, थोड़े देर क्या 10 मिनट के लिए, अब भी थोड़ी देर पहले ही लेटी थी, तो बस अपना मोबाइल में लगी हुई थी और वही सब काम हम कर रही थी, कुछ वीडियोस वगैरह चेक करना, वो सब चीज़ कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी अपने, और फिर टाइम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। फिर बस मैं अभी आई हूँ, कल मंडे है तो मंदिर साफ़ करने के लिए, तो साफ़ कर फिर पूजा भी कर लूँगी मैं इवनिंग की। तो चलिए मंदिर साफ करती हूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सो गाइस, ये देखिए मैं मंदिर साफ कर रही हूँ, क्योंकि मंडे है और मैं मॉर्निंग में ना नहीं टाइम दे पाऊँगी, तो इसलिए अभी कर ले रही हूँ। यार ये बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस ना सही में पेरेंट्स की जान ले लेगा, कुछ होना जाना नहीं है, बस ओवरऑल देखा जाए तो पेरेंट्स ही पढ़ रहे हैं, बच्चों को उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बच्चों को तो पकड़ के ज़बरदस्ती बैठाना पड़ रहा है, क्योंकि जानते हैं सामने टीचर नहीं है तो बच्चे को कोई डर नहीं है।
जानते हैं मम्मी पापा ही होंगे सामने, तो है ना बच्चे बार बार बीच बीच में उठ जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बोर लग रहा है, ये कर रहे हैं, लेट रहे, उठ रहे। एक डिसिप्लिन जो होती है वो चीज़ नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। और सही बता रही हूँ, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के फेवर में, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बट क्या करें, अब प्रॉब्लम है तो करना ही पड़ेगा। बट बच्चों का ग्रोथ नहीं है इसमें, मैं तो बिल्कुल इसके अपोजिट हूँ ऑनलाइन क्लासेस की यार। और आप भी कमेंट्स करके बताना, आपके भी बच्चे हैं अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपका ओपिनियन क्या है कि बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस से ग्रोथ है, उनकी मतलब पर्सनालिटी जो ओवरऑल जो बोला जाए ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है ना स्कूल में जाकर ही होता है सारे बच्चों के बीच में। यहाँ घर के अंदर उनका वही रूटीन रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों का जो पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, वो चीज़ नहीं है, वो मिसिंग लगती है। तो देखिए मेरा जो मंदिर है ना वो साफ़ हो गया, मैंने सब अरेंज कर लिया है, अच्छे से कपड़ा चेंज कर दिया। सो गाइस, मैंने जो है मंदिर अपना क्लीन कर लिया है और अब पूजा करूँगी 7 बजे के बाद। तो 7 बज रहे हैं अभी, तो और 15-20 मिनट बाद पूजा करूँगी। और अभी तब तक से मैं कर रही हूँ किचन में बर्तन धोने का काम, क्योंकि बर्तन भी जमा हो गया है और गंदे हो गए हैं काफी, तो बर्तन निकल गए हैं, सब धोना है मुझे। तो मैं सबको क्लीन कर लेती हूँ और बस ऐसे ही चलता रहता है। अभी जो है हमारा सोसाइटी का जो है पानी आ रहा है, तो वो वॉल हमारा बाहर से खोलना पड़ता है। मॉर्निंग में आता है पानी और इवनिंग में आता है, तो अभी पानी आ रहा है 7:30 तक आएगा, तो मैंने वॉल खोला है, तो एकदम ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, तो बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो गाइस, ये देखिए इवनिंग का टाइम हो गया है, तो अब मैं किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले किचन क्लीन करना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने मंदिर किचन में रखा है तो मुझे किचन की साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि भगवान जी जहाँ स्थापित है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो वही है बस, मैं हमेशा किचन साफ़ करती रहती हूँ, प्लेटफॉर्म वगैरह हमेशा मेरा क्लीन रहता है, बहुत कम ऐसा होता है कि गंदा हो। और देखिए मैं इवनिंग का टाइम है तो अपने लिए गुनगुना पानी कर रही हूँ, पानी गर्म कर कर ही मैं पीती हूँ इवनिंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में और नाइट में। तो देखिए एक गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर बैठ कर फिर पूजा करने आऊँगी। तो ये देखिए पानी वानी पीने के बाद फिर अब मैं पूजा करने के लिए आई, 7:30 हो रहे थे इस टाइम में, तो मैंने बोला चलो अब धूप बत्ती जला लेते हैं और भगवान को भी बोल दे करके। आज मैंने साफ़ सफाई किया तो उन्हें फिर से बोलना होगा कि आप फिर से स्थान ग्रहण करिए, स्थापित होइए घर में। तो बस पूजा कर कर धूप बत्ती जलाया और पूजा कर ली इवनिंग की पूजा, बस हो गया मेरा पूजा। तो गाइस मैंने पूजा भी कर लिया, और क्योंकि मैंने अभी साफ ऑफ किया था, क्लीन किया है पूरा, क्योंकि मंडे को मैं सुबह साफ नहीं कर पाती हूँ और पीयू का क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है, बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, तो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है कि बस मैं नहा लेती हूँ मॉर्निंग में, और जैसी क्लासेस ओवर होती है तो फिर मैं पूजा करूँगी। तो बस इसीलिए मैंने अभी सारा साफ सफाई इवनिंग में किया, ताकि मंदिर साफ रहे मंडे को, और सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ तो अभी हो जाएगा साफ, तो इसीलिए मैंने अभी कर लिया है। और बस अब मुझे करना है आटा गूंदना है, क्योंकि 8 बजने वाले हैं तो आटा गूंदना है, और रात को तो बस पराठे सेकने हैं मुझे, तो यही सारा काम है रात का, ज़्यादा कुछ नहीं है। सब्जी आपने देखा था मेरा, सब्जी बना हुआ है तो वो बच गया है, तो वही सब्जी खाएंगे, पराठे सेक लूँगी, बस गर्मा गर्म पराठे सेकूँगी। और कल सुबह फिर न्यू ब्लॉग स्टार्ट होगा, मंडे का ब्लॉग होगा, तो वही नॉर्मल रूटीन होता है। मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ क्योंकि अंकित जी का काम रहता है, वो बाहर जाते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं, तो मंदिर नहीं जाती हूँ, घर पे ही पूजा करूँगी और बस घर पे प्रसाद वगैरह चढ़ाऊँगी। और मेरा तो वही ऑल टाइम फेवरेट होता है जो साबूदाना, वही बनाऊँगी। तो मंडे को बस ही ऐसे ही है, सिंपल सा रूटीन होने वाला है। और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं पड़ रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी ना बहुत गंदी लगती है। और अगर नॉर्मल ऐसे गर्मी होती ना उसमें फिर भी चलता है कि हवा लगता है, थोड़ा सा फ़ैन भी चल रहा है तो हवा लग रहा है, बट ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में ना बिल्कुल कोई हवा का पता नहीं चलता है। और किचन में स्पेशली किचन में जब खाना बनाने जाते हैं ना, हालत ख़राब हो जाती है। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी,
क्योंकि अब बस हमें खाना है और सोना है, तो अब रूटीन में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं नॉर्मल जो आप सब खाने के बाद सोना, बस यही है आज जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि, तो आज जल्दी सो जाएंगे, 11 बजे तक हम सो जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है मैं एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।